गुड मॉर्निंग एवरीवन वन विद विद क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है बैलेंस ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन नाइनटी नाइन थर्टी फाइव थाउजेंड हमें ये कॉस्ट पे गिवन है हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो कौन से मात्रा का चल रहा है कि जब हेड ऑफिस सेंड कर रहा है गुड्स को ब्रांच को इन प्राइस पर तो इट मीन्स इस मेथड में हमने क्या कहा था कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है गुड सेंट टू ब्रांच है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है वो सभी आइटम्स हमने शो करनी है इन प्राइस पर लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ स्टॉक गिवन है क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है वो एट कॉस्ट गिवन है थर्टी फाइव थाउजेंड का तो हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस पर तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि हेड ऑफिस जो गुड सप्लाई कर रहा है वो ब्रांच को कर रहा है एट 20 परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस इसका मतलब कि अगर हमारी कॉस्ट 80 है हम उसमें 20 परसेंट प्रॉफिट मिलाते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हुआ 100 हो गया 80 plus 20 is equal to 100 तो सिंपल सा यूनिट मेथड हम अप्लाई करेंगे कॉस्ट हमें गिवन है इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट 80 है तो हमारा सेलिंग प्राइस है 100 तो अगर हमारी कॉस्ट 35000 होगी तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 80 35000 तो आपका आ जाएगा 43750 अब अब इसमें ये जो 43750 आया है आपका ये है आपका सेलिंग प्राइस इन वॉइस प्राइस और आपकी कॉस्ट भी हुई है थर्टी फाइव थाउजेंड तो दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो ये जो एट सेवन फाइव जीरो अमाउंट आ रहा है यह आपका स्टॉक रिजर्व का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाता है देखिए इसी क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को जो स्टॉक रिजर्व हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री की है वो यही की है फोर का ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड तो एट सेवन फाइव जीरो आ गया ये क्लोजिंग स्टॉक का हमने एडजस्टमेंट किया स्टॉक रिजर्व का सेम तरीके से जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन

ही निकलेगा मतलब 125,000 का ही निकलेगा तो क्रेडिट साइड पर हमने इसे किया वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन ट्वेंटी डिवाइड हंड्रेड ये आपका स्टॉक रिजर्व आ गया तो ये जो स्टॉक रिजर्व वाली जो हमारी एडजस्टमेंट है वो भी हमने कर ली नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है राइट ऑफ डेप्लीशियशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ टेन पर एन फर्नीचर का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नाइन थाउजेंड तो नाइन थाउजेंड पे टेन परसेंट डेप्लिशिएगा कर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे को हम एज ए एक्सपेंस यहाँ पर शो नहीं करेंगे हम जो ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का उसमें से डेप्लिशिएशन माइनस करके जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर का वहां पर शो कर देंगे तो यहाँ नाइन थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू एटी वन हंड्रेड हमने यहाँ पर शो कर दिया देन इसके सारी जो है उसको कंप्लीट करने बैलेंस किया तो हमारे बैलेंस लिख दिया सेम तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट को जब हमने बैलेंस किया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो आई है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आया है क्रेडिटर्स का तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का हमने यहाँ पर शो कर देंगे हम टू बैलेंस सी क्रेडिटर्स का हमने क्लोजिंग बैलेंस शो कर दिया देख अब इसमें एक चीज और हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुई, हुई यहाँ से दैट पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे एटी फाइव हंड्रेड और हमने उनसे जो परचेज किया था वो कितने का किया था टेन थाउजेंड का तो ये जो क्रेडिटर्स हमारे है पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपने किया एटी फाइव हंड्रेड कैश परचेज इस किया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पर आपके गिवन है ये देखिए कैश परचेड हंड्रेड क्रेडिट आपकी एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स तो जैसे जैसे एज अ एक्सपेंस हम इसे ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर इसे मेंशन करेंगे कि कैश परचेजिस हमारी इतनी हुई पेमेंट टू क्रेडिटर्स इतना हुआ ये यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसका रीजन क्या है की यहाँ पे जो हमने डेप्टर्स अकाउंट जैसे हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने जो बैलेंस बी डी जो डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस सीडी जो डेप्टर्स का क्लोजिंग बैलेंस है और जो कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स है उसको वहां पर हम शो करते हैं सेम तरीके से जब हम पे कर रहे हैं कैश में पे कर रहे हैं तो उस चीज को हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में जो आइटम्स है उनको यहाँ पर हमने शो करना होता है तो यहाँ पर हम कैश शो कर रहे हैं पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को कितनी की है ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है बाकी जो कैश के एक्सपेंसेस है वो तो हम यहाँ पर शो करेंगे ही करेंगे तो ये जो आइटम्स है हमने सारी ट्रांसफर कर दी और उसके बाद हम दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट आ रहा है तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज परचेज ऑफ एसेट्स बाय ब्रांच कई बार जो ब्रांच है वो परचेज करती है कोई एसेट लेकिन परमिशन लेकर हेड ऑफिस से तो ये जो एसिड है वो नॉर्मली अपने मेमोरेंडम कैश अकाउंट में शो करती है और ब्रांच अकाउंट में ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड पर शो होगी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ नेक्स्ट ईयर जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे ब्रांच अकाउंट का तो वही ओपनिंग बैलेंस एसिड का वहां पर शो हो जाएगा अगर परचेज ऑफ एसेट हेड ऑफिस कर रहा है अगर कोई एसेट हेड ऑफिस परचेज कर रहा है ब्रांच के लिए तो उसे हम डेबिट साइड पर दिखाएंगे ब्रांच अकाउंट की और डेप्रिशिएशन माइनस करके उसका क्लोजिंग बैलेंस हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट के जैसे कि हमने अभी जो क्वेश्चन किया इसमें हमने देखा था फर्नीचर जो है उसको हमने डेप्रीशियशन माइनस करके उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर हमने शो किया था तो सेम तरीके से वही चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा हम पूरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम सिर्फ जितना आइटम उससे रिलेटेड है वो देखते हैं हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज फर्नीचर फॉर द्रांच कम्प्यूटर परचेज बाई ब्रांच अब यहाँ पर देखिए जो चीज गिवन है क्वेश्चन है बस यही चीज है गिवन है तो देख लेते हैं कंप्यूटर परचेज दी ब्रांच हमने कहां पर शो किया कंप्यूटर थर्टी नाइन थाउजेंड का तो हमने यहाँ पर उसको सिर्फ क्रेडिट साइड पर शो कर दिया क्लोजिंग बैलेंस उसका देन कैश हेड ऑफिस सेंड कैश टू परचेज फर्नीचर फॉर दी ब्रांच फिफ्टीन थाउजेंड तो वो एज इज फर्नीचर का एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट में हम दिखा रहे हैं क्योंकि हेड ऑफिस ने सेंड किया है हेड ऑफिस ने उसे स्पेंड करके एसेट को खरीदा तो उस एसेट को हमने क्लोजिंग बैलेंस में शो कर दिया तो ये था हमारा फर्स्ट मैथड डायरेक्ट मैथड या डेप्टर्स मैथड जिसे हम कह रहे थे ब्रांच अकाउंट को मेंटेन करने का नेक्स्ट जो हमारा मैथड है method, इसे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच